अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे का इंतकाल हो गया है, ये खबर आपने सुन ही ली होगी, लेकिन इसकी असल वजह क्या थी, उनकी मौत कैसे हुई है, उनके बड़े भाई गोली लगने की मौत की पूरी तफसील बता रही हैं, आइए सुनते हैं वो क्या फरमाते हैं, क्या कह रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलातु वस्सलामु अला नबील अमीन व अला आलिही व सहाबी अजमईन, अम्मा बाद। قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت। मैं इंतहाई बोझल दिल से, इंतहाई मुश्किल से ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सानिया है। लेकिन इस तकलीफ़ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाजिर होना पड़ा कि बहुत सी नेगेटिव खबरें, मुख्तलिफ खबरें, गलत खबरें मीडिया पर चलाई जा रही हैं। मैं उनकी वजाहत के लिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज थे, और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये फाका ना हुआ। और आज के रोज़ वो इत्तेफाकन घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अजियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बात की जा रही है, कोई दुश्मनी थी, किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं है, ये अल्लाह की तकदीर थी और हम अल्लाह के इस फैसले पर राजी हैं। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।